नमस्कार दोस्तों, अनुज हेल्थ टिप्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों से एक ऐसे घरेलू उपचार शेयर करने जा रही हूँ जिसके इस्तेमाल करने से अपने घरों से मच्छर भगा सकते हैं बिना पैसे खर्च किए और आसान तरीके से। तो चलते हैं रेमेडी को शुरू करने। दोस्तों, रेमेडी को शुरू करने से पहले आप सभी से हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बाजू में दिए गए बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें नीम के छल के। दोस्तों, आप देख सकते हैं नीम के छल के ऐसे होते हैं और आपको आसानी से मिल जाएगा। सड़क के किनारे होते हैं और बगीचे में और पार्क में भी मिलते हैं। दोस्तों, हमारे बगीचा है उसी में से हम लेकर आए हैं। दोस्तों, ऐसे आप तोड़ लेना है ऐसे ऐसे भागों में और आपने ऐसे तोड़ कर यहाँ पे ऐड करना है, वो है कपूर। दोस्तों, ये कपूर आपने पूजा पाठ में भी इस्तेमाल करते हैं और हम इसमें भी इस्तेमाल करेंगे। आप ये अनुष्का बहुत कारगर है दोस्तों। हम ऐसे ऐसे रखेंगे चारों तरफ। दोस्तों, कुछ तीसरा चीज इसमें ऐड करना है वो है लोहबान। दोस्तों, लोहबान के भी तेल इसमें यूज कर सकते हैं या आपके पंसारी की दुकान पर मिल सकता है या आपकी पास तेल है तो भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे लेकर और ऐसे बारीक हम पीस लेंगे। दोस्तों, पहले से यहाँ पे पीसे हुए हैं। दोस्तों, लगभग 1 चम्मच की मात्रा में डालेंगे। यहाँ पे लेना है आपको तिल्ली यानी माचिस और ऐसे कर और इसको धराएंगे सकते हैं या आप चारों ओर से दरवाजा बंद करके उसी में भी छोड़ सकते हैं। आपके घरों से मच्छर 1 मिनट के अंदर आपके घरों से मच्छर भाग जाएगा और हमेशा के लिए। दोस्तों, ऐसे आपको रख देना है। उसके बाद से आप कहीं भी रख सकते हैं, खुला मैदान में भी रख सकते हैं या आप चारों ओर से खिड़कियां बंद कर कर और रख सकते हैं कमरे में। दोस्तों, हमारी ये नुस्खा आजमाया हुआ है और आपकी कोई दिक्कत भी नहीं होगा, ये नुस्खा से कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, हम 2-3 दिन आजमाए हैं और आपको बता रही हूँ। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की नई वीडियो। हमारी वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।